अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जरा अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक दो मिनट में फिर सेक्शन स्टार्ट, आपसे बात करना। मैम जी मैम, आपसे एक बात करनी थी कि हमारी ना आज 7 PM जो है क्विज है इलेक्ट्रोथेरेपी का, तो मैम हम लीव कर सकते हैं? आप अटेंडेंस लगा देंगे? बेटा लेक्चर कैसे कंप्लीट होगा? 7 PM मैम कितना आज कोई थोड़ा ही पढ़ा दें। मैम हमने मैम ना सेवन मैम को कहा था कि हमारा 8 बजे रख लें या फिर उससे पहले रख लें, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं बेटा, क्विज का टाइम नहीं चेंज हो सकता, आप अपनी SCP की मैम से बात करें, तो मैम काइंडली हमारा मसला हल कर दें। मैम इलेक्ट्रो की मैम है फातिमा तारिक, उन्होंने ना 1 वीक पहले इन्फॉर्म किया था, तो अचानक हमें ना SCP-2 की मेल आई है, तो हमें यस टाइमिंग मैम, का नहीं था पता, इस वजह से हमने तब तो ओके बोल दिया था, और कल हमने बोला कि मैम हमें चेंज कर दे, तो मैम ने कहा बच्चे मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए आप अपनी मैम से बात कर लो SCP वाली। बेटा लेक्चर तो फिर इस तरह वो कंफ्यूजन से कैसे होगा? वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि लेक्चर और मैम मेजोरिटी क्लास, मैम हमारी जो मेजोरिटी क्लास है उनका इलेक्ट्रोथेरेपी का आज पेपर है, बीच में कुछ बच्चे इनका नहीं। मैम हाफ आवर के लिए सेवन मैम ये थर्टी हमारी आज का जॉइन लेक्चर करिए कर देना, मैम, सिर्फ सेवन नेक्स्ट थर्टी तक हम है, देख वहाँ से लेंगे। सेवन थर्टी के बाद ज्वाइन कर मैम लेंगे। सिर्फ आज आपको की लगता क्लास है कि का मेरा 7:45 पे एंड हो रहा है, तो मैं उस टाइम लेक्चर लूंगी? मैम, आप क्योंकि तो सेवन लेक्चर थर्टी पे हमारा क्विज एंड अच्छा होना है और ठीक सेवन है, पी एम पे बस स्टार्ट होना। बस 7 PM पे, अच्छा ठीक है देखते हैं। जी स्टूडेंट, आपको कुछ लेक्चर नजर आ रहे हैं या नहीं? नो मैम, मैम नहीं आ रहा। मैम आपकी आवाज भी बहुत कम है। आवाज कम होनी सुनी चाहिए। मैम आवाज कम आ रही है मैम? मैम नो मैम, बिल्कुल ये ठीक आप है, स्क्रीन आवाज शो हो रही मैम। है। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो गई? जी यस मैम, मैम, हमें यस मैम। स्क्रीन। अच्छा ठीक है, चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जितना पढ़ा गया पढ़ लेंगे, बाकी फिर ये कि एक फिर हो सकता है तरीका कि आप लोग इसको रीड कराइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम डिस्कस कर लेंगे जो पॉइंट आप ओके लोगों को मैम। ठीक नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएंगे मैम आप आप लोग ना अपने पेंसिल रिकॉर्डिंग मैम चुकी हम रोटेट कर दें रिकॉर्डिंग स्क्रीन। की काइंडली ना सेंड कर दीजिएगा हमें मेल पे। बच्चों ठीक है, ईमेल पे रिकॉर्डिंग मैं ऐसे करूंगी, आपके LMS पे अपलोड करूंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है? यस मैम, ओके मैम। वहां से लेक्चर LMS पे सारा कुछ होगा, तो फिर आज भी है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज हम सिर्फ लेक्चर पढ़ लेते हैं, जो मैंने आज आपको लेक्चर डिलीवर करना था, आज हमने पढ़ना था जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों ने मेरा ख्याल है लास्ट अपनी SCP में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में? मैम हमने जीपी नहीं हेरिटेज, पढ़ा था, हमारा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और हिस्ट्री हमारा सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग कैसे था SCP-1 में, लेते हैं, जी हिस्ट्री सेमेस्टर में। टेकिंग कैसे करते हैं और अच्छा ठीक डिजीजेस है, ठीक पढ़ी थी हमने। हो गया। बच्चे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है कि जनरली आपने एक इंडिविजुअल को एक का क्या कुछ एग्जामिन करना है, ठीक है? जब जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हम उसके डिफरेंट सिस्टम्स देखते हैं, उनमें से एक सिस्टम जो है जो कि आप कहें कि आपके पास रिलेटेड टू द ब्लड आ जाता है, उसमें हम देखते हैं कि जनरली पेशेंट की अपेयरेंस में जिसमें
हमें कैसे पता चल सकता है कि ये पेशेंट एनीमिया का पेशेंट है, या इस पेशेंट को जॉन्डिस है, या इसको एडिमा का प्रॉब्लम है, या इसको साइनोसिस है, ठीक है, या हम देखते हैं कि लिम्फ नोड्स का कोई इशू है, कुछ उस तरह की एग्जामिनेशन आज मैं आपको बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने जीपीई नहीं पढ़ा हुआ, तो ठीक है, फिर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि तो मुझे मैम भी आपकी अंदाजा आवाज नहीं कम आ रही है। बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। यस देखें जी, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज जिनको नहीं आ रही थी? यस मैम। अच्छा जी, व्हाट इज एनीमिया? आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म एनीमिया। यस मैम। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स की कमी जी, इन द हीमोग्लोबिन विद और विदाउट द कोरिस्पोंडिंग डिक्रीज इन टोटल आरबीसी काउंट बिलो अ नॉर्मल रेंज गिवन फॉर अ जनरल सेक्स एज एंड रेस। Normal hemoglobin in adult male is 14 to 18 gram per deciliter and for adult female it is 12.5 to 16.5 grams per deciliter. ठीक है, अब क्या हुआ एनीमिया आपको पता है? एनीमिया आप लोगों ने बिल्कुल जो खुद बताया कि इट इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी काउंट मैटर नहीं करता, आरबीसी काउंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है हमारे पास आया एग्जामिनेशन जिसको हम कर रहे हैं, जी अब कैसे पता चलेगा कि जो पेशेंट हमारे पास आया वो एनीमिया का पेशेंट है? आप लोग मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ येलोनेस हमें कुछ पता चलेगी, ठीक है, हम उसको एग्जामिन करेंगे कंजक्टिवा अंडर दी लोअर आईलिड, टंग, हैंड, नेल्स एंड जनरल कॉम्प्लेक्शन हम उसका देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा हमें स्लाइड से येलो से टिंच नजर आएगा उसकी आईलिड को, जब हम देखेंगे तो हमें येलो सी फील होगी, टंग पे भी इसी तरह होगा, ठीक है, जनरल कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा पेल सा हमें लग रहा होगा देखने में। अगर कॉजेज की बात करें, कॉजेज ऑफ एनीमिया में हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जेनेटिकली ये ड्राइव्ड होता है, ठीक है, जीन्स में होता है एनीमिया, या किसी की एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से भी एनीमिया कॉज होता है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग किसी कट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो दैट ऑल्सो कॉजेज एनीमिया। इसके अलावा हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, कैंसर कॉजिंग एनीमिया, कैंसर ऐसा हुआ कि उसमें ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन थी वो अफेक्ट हुई तो उससे भी एनीमिया हो सकता है, एंड देयर कैन बी इंपेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्प्लीन एंड एनीमिया दैट कैन ऑल्सो कॉज और लीड टू एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात करें तो हमारे पास आ जाता है माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है और नॉर्मोसिटी के नहीं है। आई थिंक ये आपने फिजियोलॉजी में इसकी टाइप्स पढ़ी हुई है एनीमिया की। यस मैम पढ़ी है। ठीक है बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि ये अगर हमारे पास क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना तो हमारा जो फोकस है ज्यादा वो इसकी क्लिनिकल चीजों पे हो, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कोई लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या है इसकी। नॉर्मोसिटिक में आपके पास एक्यूट ब्लड लॉस, क्रॉनिक एनीमिया और हीमोलिटिक एनीमिया आ जाते हैं। बच्चे ये टेबल खुद देख लीजिएगा, ठीक है, अब टाइम शॉर्ट है, हम क्लिनिकल फीचर्स जो कि मेन आपको आने चाहिए उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप देखें तो आईज येलो नजर आ रही होंगी, स्किन पेल होगी, येलो भी हो सकती है, और टच करने पे आपको कोल्ड फील होगी स्किन। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्योंकि हीमोग्लोबिन नॉर्मल कैरी नहीं हो रही। मसल्स को देखें तो मस्कुलर वीकनेस होगी पेशेंट में। इंटेस्टाइनल चेंजेस क्या आ जाती है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। सेंट्रली अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से इफेक्ट हो रहा है तो पेशेंट फेंटनेस की और डिजीनेस की कंप्लेन करता है, फिटीक की कंप्लेन कर रहा होता है। अगर हम ब्लड वेसल्स को देखें तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इस वजह से हमारे पास। हार्ट देखिए, हार्ट को क्या इफेक्ट करे एनीमिया, तो देयर विल बी पैल्पिटेशन, रैपिड हार्ट रेट, चेस्ट पेन, इवन एंजाइना एंड हार्ट अटैक कैन बी देयर, क्योंकि हीमोग्लोबिन नॉर्मली कैरी नहीं हो रहा, सो दैट मींस कि ऑक्सीजन की फ्लाई इफेक्ट हो रही है। और
स्क्रीन भी लार्ज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा जो है वो आरबीसी को अच्छा नहीं वो रहने दें, वो एक डिफरेंट सिस्टम हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि एनीमिया की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारे पास जिसमें काफी सारे सिस्टम्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों, आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम, यस मैम, यस सुन सुन रहे मैम, हैं। मेरे हाल है साथ में मेरे बेबी को भी सुन सकते हैं। यस यस मैम, मैम, यस यस मैम, मैम, उसी को यस सुन रहे हैं, जी उसी को सुन रहे हैं। ये उसके सोने के टाइम है, वो कह रहे हैं मामा क्या कर रही हैं इस टाइम, ये इन्होंने SCP-2 रात से 8 बजे शुरू कर ली है। मैम एसपी वालों इसीलिए को कोई पूछते टाइम हैं नहीं हम, है क्लास का। बच्चे बस क्या करें फिर, अब जो यूनिवर्सिटी कहती है वो करना पड़ता है। अच्छा जी, अगर हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखें एनीमिया की, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसमें सीरम आयरन हम देखते हैं, ट्रांसफरिन देखेंगे, टी सैट देखेंगे, फेरिटिन देखेंगे, ठीक है, ये मेन चीजें हैं जो हम देख रहे होते हैं। और इन सब की वैल्यूज नॉर्मल ये आपके पास आ रही हैं। जॉन्डिस, इट इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्लिनिकली सीन व्हेन बिलीरुबिन इन द ब्लड इज ग्रेटर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इट इज बेस्ट सीन इन द स्क्लेरा बिकॉज ऑफ द एफिनिटी ऑफ द बिलीरुबिन फॉर द इलास्टिक टिश्यू। मैम मुझे आप एक उसको मिनट, सुला लें ये पहले, था उसको नहीं बेटा, सुला लें। मैं यहाँ से ना कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रही हूँ एक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ना। इधर आओ, आज क्या डेट है बच्चों, आप मुझे बताएंगी? 25 आज मैम, 25 है। और सैटरडे को क्या थी, 24 थी। हाँ तो मैं मैम वो देख रही हूँ, 22, मेरे को अच्छा 22 थी सैटरडे को। सैटरडे की ईमेल में मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज मैं ढूंढ रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। आप लोग इस टाइम स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? मैम एसपी का शेड्यूल मैम मेल ईमेल शो, एसपी हाँ ईमेल शो हो रही है, ठीक हो गया। मैं आपके साथ ना लॉग बुक शेयर करना चाह रही थी। यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है या नहीं? नहीं बेटा अभी तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है हमारे पास। मैम कुछ बच्चे तो कह रहे हैं 7 को ओपन हो रही है। मैम बेटा नहीं, अभी कोई पता नहीं डॉक्टर बन रहे हैं या हम क्वैक है। बेटा सस्ते नहीं, डॉक्टर, साला डॉक्टर ही बनेंगे, इतना जो है वो दिल नहीं छोड़ते होते। हाँ मैम एससीपी कौन सी हमारी ऑनलाइन होती है? एससीपी तो एटलीस्ट हमें करा दी। वो जो आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करेंगे ना, ठीक है, तो वो जो वीडियोस होंगी उनकी हेल्प से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा एसीपी का। प्रैक्टिकल लेकिन वाली तो अपनी बात होती है ना। पेशेंट के साथ इंटरेक्शन मेन थिंग है ना, हमने तो प्रैक्टिकल लाइफ में पेशेंट के साथ डील करना है। तो बच्चे कोई नहीं, इंशाल्लाह कोरोना जा ही रहा है, वैक्सीनेशन आ गई है इंशाल्लाह, तो आप पेशेंट के साथ भी डील करेंगे। मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया आप लोगों के साथ, आपका जो कोर्स मटेरियल है, लेकिन वो मिल नहीं रहा इस टाइम मुझे।
या फिर ऐसा कर लें कि हम कल क्लास ले लें, अब तो वैसे भी 7-8 मिनट रह गए हैं 7 o'clock होने में। ओके मैम कल ले लेंगे। यस मैम कोई बात नहीं, कल 11 o'clock मैम। कल इस टाइम हमारा वाइवा भी है, वाइवा और वाइवा हमारा मैम कोई मैम कोई भी है रहा था। बट फिर आप क्लास ले लें, आप क्लास होती है ना मैम, आप 5 बजे ले लिया करें। तो नहीं होता ना क्लास का टाइम तो शिफ्ट नहीं होता। पहली क्लास सबकी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, हमें रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाएंगी ना बच्ची। हाँ ठीक है मैं सबकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन किसको पढ़ाऊंगी? आप सारे तो चले जाएंगे मैम। हम नहीं मैम सबका नहीं है, कुछ तो होंगे मैम, सबका नहीं है, कुछ बच्चों का। चलें ठीक है फिर हम तो तसल्ली से पढ़ते हैं, जिन्होंने जाने है वो चले जाइएगा, बाकी लोग स्टे करें मेरे साथ। ठीक है ओके मैम, मैम दोबारा देखेंगे, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा आप मेरे बेबी की बात करते हैं, असल में मसला ये कि इसको कल से टेम्परेचर है, तो ना वो इस वजह से थोड़ा ना हुआ हुआ है, इरिटेटेड था, वरना तो माशाल्लाह खेलता रहता है। यही रो रहा है थोड़ा थोड़ा जी, क्योंकि वो कब से थोड़ा थोड़ा हो रहा है मैम। क्योंकि सोना है ना उसने, सुला दें इसको। मैं डे केयर में छोड़ती हूँ ना, तो डे केयर वाले कहते हैं सबसे इजी बच्चा ये है, हम तो इसको कॉट में लिटाती हैं और ये सो जाता है, जबकि मेरे लिए ही उतना ही डिफिकल्ट बच्चा होता है। अच्छा बच्चों मैंने लिया है, मेरा एक ही बेटा है माशाल्लाह से छोटा सा, ये मेरे पास ना वर्ड का डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन नहीं हो रहा, हमें यही वाला आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस थिंग। इन्होंने अचानक से बस हम पे ये ना हमें भी बताया कि भाई आपका ये लेक्चर है मैम, ये अचानक से मैम आप हमें मेल कर दीजिएगा, पता चलती है जी बच्चे, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगी। लेक्चर नजर आना शुरू हो गया दोबारा से? नहीं मैम अभी नहीं। क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा शेयर करते हैं यहाँ से, मेरा ख्याल है मेरे पास कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं मेरे। यस मैम हमने आपके पढ़ा था। यस मैम, यस मैम हमने आपसे काइनी टू पढ़ी है। मैम काइनी टू पढ़ी थी आपसे हमने। जी मैम हमने एनाटॉमी टू काइनी टू बहुत पढ़ी है। मैम बहुत पुराने स्टूडेंट हम आपके। एनाटॉमी टू पढ़ा उन्होंने तो फिर बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। यस मैम बहुत पुराने आपके स्टूडेंट हम। जब आपकी न्यू न्यू शादी हुई थी तब के हम। अच्छा न्यू न्यू शादी को तो भी मेरे 7 साल ही हुआ है। तो मैम हम तब के हैं, तब हमें आपसे पढ़ा था काइनी टू पढ़ी थी। अच्छा हाँ yes, काइनी टू में पढ़ी थी जब ये हुआ था लॉकडाउन, सही है मैम। मैम उससे भी पहले की है। अच्छा आपसे 2018 में एनाटॉमी पढ़ी थी। क्या नाम है आपका? सलमान। मुझे तो याद नहीं आता मैंने एनाटॉमी 3 पढ़ाई है। पढ़ाई थी मैम, आपने एनाटॉमी 2 पढ़ाई है। 3 भी पढ़ाई थी, क्योंकि बस 4 रहती है जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई ना। यस मैम अब लेक्चर दोबारा नजर आने शुरू होगी? नो मैम नहीं मैम अभी भी नहीं आया। तो मैम आप स्क्रीन शेयर करें। अब हो रही है शेयर मैम स्क्रीन। चलें जी। अच्छा जी जॉन्डिस से, जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन आ रही है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आयरन होती है जिससे आपके पास बिलीरुबिन आती है। इट इज सीन इन द स्क्लेरा बिकॉज ऑफ द एफिनिटी ऑफ द बिलीरुबिन फॉर द इलास्टिक टिश्यू। नॉर्मल हैंड आप देखें तो आपके पास रेड है, जॉन्डिस पेशेंट का हाथ देखें तो आपको येलो नजर आ रहा है, इसमें भी अगर आप म्यूकस मेम्ब्रेन को देखेंगे तो आपको येलो नजर आएगी। जॉन्डिस के सिम्टम्स अगर हम देखें, और उससे पहले हम कॉजेज देखते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट कैन बी अ कॉज ऑफ द जॉन्डिस। सिम्टम्स में देखें तो पेशेंट इचीनेस की कंप्लेन करेगा, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, पेशेंट में वेट लॉस बहुत ऑब्वियस होगा, वॉमिटिंग की कंप्लेन होगी। अगर उसका स्टूल देखें तो दैट वुड बी फेलर देन यूजुअल,
patient will complain of the fatigue and urine will be dark in color. Types of jaundice, if we are looking at types of jaundice, we are having three different types of jaundice. One is the hemolytic jaundice, other one is the obstructive jaundice, and number three is the hepatocellular jaundice. But here, one thing before that, before we leave, I want to tell you that you guys know that which book we follow. Bedside technique. Is that all the children have? Yes, ma'am. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में हीमोलिटिक एनीमिया आते हैं, मैसिव लाइसिस ऑफ द आरबीसीज इन हीमोलिटिक एनीमिया, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रॉसिंग टू द इंटेस्टाइन. एंड हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस ड्यू टू द लिवर डैमेज. ये लेक्चर जो मुझे दिए गए हैं ना, इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन जॉन्डिस की आपको आपकी लॉग बुक में मिल जाएगी, जो कि मैं आपकी एलएमएस से कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी. ठीक है, अभी वर्ड का डॉक्यूमेंट मेरे पास मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा, वरना हम बुक से ही अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करते. देन वी आर हैविंग लिम्फ नोड्स, अ स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर दैट इज पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम. लिम्फ नोड्स क्या कर रहे होते हैं आप लोगों को पता है, लिम्फ नोड्स में से लिम्फैटिक फ्लूइड ट्रेवल कर रहा होता है. ठीक है, और लिम्फैटिक फ्लूइड के साथ साथ लिम्फ नोड्स में आपके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि वो जो लिम्फ फ्लूइड ट्रेवल कर रहा होता है उसमें अगर कोई इंफेक्शियस एजेंट हो तो उसके साथ फाइट करते हैं और उसको किल करते हैं. लिम्फ नोड्स ऑफ द हेड एंड नेक, हेड एंड नेक में डिफरेंट लिम्फ नोड्स हैं हमारे पास. इसके अलावा आर्मपिट में आ जाती हैं लिम्फ नोड्स, जिन्हें मैक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं. फिर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स हैं. फिर हम देखें तो नेक के रीजन में बहुत सारी लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं लिम्फ नोड्स के, सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, फिर सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स, इंटीरियर ऑरिकुलर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सिपिटल, पोस्टीरियर सर्विकल एंड सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन हम किस तरह से करते हैं, हम पल्पेट करते हैं. ठीक है, इसको लोकेट करते हैं कि लिम्फ नोड्स अपनी जगह पे प्रेजेंट हैं या नहीं है, डिस्प्लेस तो नहीं है अपनी जगह पे. फिर हम उन्हें पल्पेट करते हैं, पल्पेट करके क्या देखते हैं कि वो इनलार्ज तो नहीं है, अगर कोई इन्फेक्शन हो तो वो इनलार्ज हो जाती हैं. ये जो हमारी टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स हैं, कुछ लोगों का जब गला खराब होता है तो ये जो टॉन्सिल्स हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके इन्फेक्शन के साथ जो है वो यहाँ के इम्यून सेल्स फाइट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सारा टॉक्सिक मटीरियल इधर जमा हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाती हैं लिम्फ नोड्स. ठीक है, टॉक्सिक मटीरियल ये नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, वो जो टॉक्सिक मटेरियल है उसके साथ फाइट करने के लिए लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड हो जाती हैं. अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही बार बार मेरी स्क्रीन क्यों चली जाती है, मुझे बार बार दोबारा शेयर करना पड़ता है इसको. अच्छा जी, व्हाट इज साइनोसिस? Cyanosis is a bluish discoloration of the skin and mucous membrane, evident when the deoxygenated hemoglobin rises above 5 gram in peripheral blood in the absence of the anemia or polycythemia. अच्छा, ये क्या है cyanosis? जो है हमारे पास different है anemia या फिर एक और condition आती है polycythemia, उनसे इसमें आपके पास bluish skin होगी और इसमें क्या होता है जो hemoglobin है deoxygenated वो 5% से इंक्रीज हो जाती है उसकी अमाउंट. टाइप्स ऑफ साइनोसिस अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेंट्रल साइनोसिस आता है और एक पेरिफेरल साइनोसिस आता है. सेंट्रल साइनोसिस अफेक्ट करते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को. इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. एक्सपोज्ड एरियाज वार्म होंगे एंड क्लबिंग मे बी प्रेजेंट. क्लबिंग क्या होती है? Ha 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 ha
क्लबिंग क्या होती है? स्वेलिंग? नहीं बेटा, नेल्स का प्रॉब्लम है ये आपके पास. मैम विंडो नहीं बनती, विंडो बनती है मैम उसमें क्लबिंग में, नेल्स की. नेल विंडो नहीं बनती. नहीं मैम, दोनों नेल्स को हम ज्वाइन करें ना तो नॉर्मली नेल्स के दरमियान में एक छोटी सी स्पेस क्रिएट होती है, लेकिन जब नेल्स की क्लबिंग हो जाती है ना तो वो स्पेस फिल अप हो जाती है. एक जो एंगल नेल्स का बन रहा होता है ना फिंगर के साथ का एंगल लूज हो जाता है एंगल ना, दैट इज नोन एज क्लबिंग. मुझे इसकी क्या रीजन है, मुझे बार बार शेयर करना पड़ रहा है, मेरी स्क्रीन चली जाती है. मैम आप स्क्रीन पर टच नहीं करती, इस वजह से आपके फोन की स्क्रीन आउट हो जाती है, इस वजह से शायद. अच्छा मैम, बैकग्राउंड का फिर बैकग्राउंड में ना जो एप्स है वो नहीं चल रही. आप क्या नहीं चल रही? बैकग्राउंड एप्स बंद हो जाती हैं आपकी. अच्छा पता नहीं कुछ ऐसा होता है, मैं टच करके रखती हूं फिंगर ना. पेरिफेरल में देखिए तो पेरिफेरल एक्सपोज स्किन ओनली, ठीक है. पेरिफेरल साइनोसिस सिर्फ आपको पेरिफेरल एरियाज में नजर आएगा, जबकि सेंट्रल आपको मेसोफेमोरल स्किन में पता चल रहा था. पेरिफेरल साइनोसिस यूजुअली क्रिनोड्स फिनोमेना भी कहा जाता है. इट इज कॉज्ड बाय विजिबल फ्रिक्शन और डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो. एक्सपोज्ड एरियाज कोल्ड होते हैं, ठीक है, एंड देयर इज नो क्लबिंग. इट मींस कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस, ठीक है. तो आप लोग बता सकते हैं, एक में सेंट्रल एरियाज इन्वॉल्व हैं तो एक में पेरिफेरल एरियाज इन्वॉल्व हैं. एक जो है वो क्लबिंग के साथ प्रेजेंट करता है और एक में क्लबिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. एक में एक्सपोज्ड एरियाज वार्म है तो एक में कोल्ड आ रहे हैं. और इसी तरह से जो आपके पास कॉज है वो भी दोनों में डिफरेंट आता है. फिर कुछ और कॉजेज आते हैं साइनोसिस के. इनकी तो सेंट्रल साइनोसिस देयर कैन बी सम रेस्पिरेटरी इश्यूज, सीएनएस, मस्कुलर, कार्डिक. फॉर पेरिफेरल साइनोसिस देयर कैन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक. Exocytosis or abnormal hemoglobin. Raynaud's phenomena is a problem that causes decreased blood flow to the fingers. In some cases, it also causes less blood flow to the ears, toes, nipples, knees, or nose. This happens due to spasm of the blood vessels in those areas. The spasm happens in response to cold, stress, or emotional upset. Okay? Most common cause जो Raynaud's phenomena को हम relate करते हैं वो हम कोल्ड टेम्परेचर के साथ करते हैं. फिंगर्स गेट ब्लू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. फिंगर्स गेट रेड व्हेन ब्लड फ्लो रिटर्न्स, ठीक है. तो सर्दी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो आपकी फिंगर्स बहुत ज्यादा जो हैं वो सर्दी की वजह से सिर्फ फ्रोजन फील होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अगर बहुत एक्सट्रीम फ्रोजन हो जाए तो ब्लूनेस भी आ जाती है उनमें. Edema, it is an increase in the extravascular interstitial fluid that is associated with the transient fit when pressure is applied over bony prominence. Ab edema mein kya hua? Hamare paas interstitial ya phir extravascular jo fluid tha wo increase ho gaya. Wo increase hua to usne kya kiya, usne body ko puffiness ki feel, swelling ki feel look de di. अब स्वेलिंग किस तरह डिफ्रेंशिएट करती है एनीमिया से? स्वेलिंग को तो आप प्रेस करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगी. लेकिन एडिमा में क्या होता है, एडिमा को जब आप फिंगर के साथ प्रेस करते हैं या पुश करते हैं तो वो पिटिंग हो जाती है यहाँ पे, जिसको कि हम पिटिंग एडिमा भी कहते हैं. यूजली जो एक्सेसिव फ्लूइड है दैट हैज एक्युमुलेटेड इज यूजली इन द रेंज ऑफ 4.5 किलोग्राम और 10 पाउंड. इतनी ज्यादा अमाउंट में एक्सेसिव फ्लूइड एक जगह पे आ जाए तो वो एरिया एडिमेटस हो जाता है. ग्रॉस जनरलाइज्ड एडिमा इज आल्सो कॉल्ड एनासार्का, ठीक है. ये एक एनासार्का आपके पास एक आप ये कहें कि एलर्जिक कंडीशन भी होती है. अच्छा जी, हम पिटिंग एडिमा की बात करते हैं. पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा डिफरेंस देखते हैं. पिटिंग एडिमा व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ स्मॉल एरिया द इंडेंटेशन परसिस्ट even after the release of the pressure. It is called pitting edema. It is also known as cutaneous edema, whereas in non-pitting edema, the type of edema in which the indentation made by a pressure on the affected area does not persist, it is called non-pitting edema. So, pitting and non-pitting mein difference kaise aaya? Agar wo jo create hua tha depression, wo persist kar jaye, to wo pitting hai. Aur agar wo persist na kare, to wo non-pitting edema hota hai.
अब ये इन्होंने आपको पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है. नंबर वन कहते हैं जी इट इज नॉट फिटिंग एडिमा, उस तरह से डिप्रेशन क्रिएट नहीं हुआ. फिर उससे नेक्स्ट वाला देखें तो उसमें माइल्ड फिटिंग एडिमा है. सेकेंड वाले में जिसको वन प्लस को दे रहे हैं, टू प्लस वाले में मॉडरेट फिटिंग एडिमा है, थ्री वाले में मॉडरेटली स्क्वेयर फिटिंग एडिमा है, और फोर प्लस वाले में आपके पास स्क्वेयर फिटिंग एडिमा आ जाता है. ठीक है, तो उन्होंने आपको बता दिया कि डिप्रेशन कितना कॉज होगा, उस डिप्रेशन से रिलेट करके हम क्या एडिमा को एज जो है वो करेंगे, क्या उसे कहते हैं, क्लासिफाई करेंगे ना. अच्छा जी, अब ये फिटिंग और नॉन फिटिंग एडिमा कब कब होते हैं? फिटिंग एडिमा जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम में हो सकता है, किसी रेस्पिरेटरी इशू में हो सकता है, लिवर के इशू में हो सकता है, जीआईटी प्रॉब्लम में, किडनी डिजीज में हो सकता है. जो नॉन फिटिंग एडिमा है वो कॉमनली आपको लिम्फैटिक प्रॉब्लम में मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलेगा, एलर्जिक एंड इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में मिलेगा. कॉजेज ऑफ एडिमा, कॉजेज ऑफ एडिमा कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं और कुछ लोकलाइज्ड कॉजेज हैं. ओके, सिस्टेमिक कॉजेज जो हो सकते हैं वो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से एडिमा हुआ, जैसे मैंने भी एनएसआरका की बात की. कोई कार्डिक डिजीज, हेपेटिक डिजीज हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से एडिमा हो सकता है, स्लीप एपनिया, प्रेगनेंसी की वजह से भी स्लाइड से एडिमा, नहीं प्रेगनेंसी में स्लाइड नहीं, प्रेगनेंसी में तो काफी सारा एडिमा आ जाता है, रेनल डिजीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक एडिमा एंड मेडिकेशन, दिस ऑल कैन कॉज एडिमा. देयर इज द लोकलाइज्ड कॉजेस ऑफ द एडिमा इंक्लूड एक्यूट इंजरी, cellulitis, chronic venous insufficiency, compartment syndrome, complex regional pain syndrome, DVT and post thrombotic syndrome, lipidemia, lymphedema and May Turner, ये भी आपके पास एक डिजीज आता है. तो ये आप देख सकते हैं जिसमें एग्जाम्पल ऑफ फिटिंग एडिमा किस तरह से वो डिप्रेशन जो कॉज हुआ वो वहीं पे क्रिएट होके रह गया. ये भी एडिमा ही है. नॉर्मल लेग देखें, दूसरी लेग देखें. तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है एडिमा को कि एडिमा क्या होते हैं. एडिमा की दो टाइप्स पढ़ी जिसमें कि हमारे पास फिटिंग और नॉन फिटिंग एडिमा आया. ठीक है, उसके पीछे हमने थोड़ा सा साइनोसिस को डिस्कस किया जिसमें कि ब्लूनेस ऑफ द स्किन थी. फिर कुछ लिम्फ नोड के ग्रुप्स हमने डिस्कस किए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. और उससे पहले हमने जॉन्डिस और एनीमिया को भी थोड़ा सा देखा. अभी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि हम इतनी जल्दी इसको देख लेंगे. अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो जो मैं लॉग बुक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो किसी तरह से हमारे पास आ जाए. अच्छा, यहाँ क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट को देख के पता चला तो मुझे मोहम्मद काशिफ का पता चला, मोहम्मद उसामा सिद्दीकी का पता चला. सलमान राशिद भी शायद, इसके अलावा नहीं मुझे किसी का पता चला. जमीन अब्बास भी शायद पढ़ाया हुआ है, दरिया बनम ने भी पढ़ाया हो. जी मैम, मुझे भी पढ़ाया. मैम पढ़ा मैंने भी आपसे. ठीक हो गया, मैं भी इसके भी पढ़ा हुआ है. अच्छा, कुछ लोग प्रेजेंट है, मुझे लगा शायद मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. सब लोग शायद पता नहीं कोई से अटेम्प्ट करने चले गए हैं. नहीं मैम, सारे सुन रहे होते हैं. मैम सुन सारे रहे हैं, बस बोलते थोड़े हैं. अच्छा ठीक हो, कुछ का जॉब का टाइमिंग भी तो सेम है, ये भी तो यूनिवर्सिटी ना समझ. मैम आपको सब परेशान नहीं करना चाहते.
किस चीज की टाइमिंग सेम है? कुछ की जॉब्स की टाइमिंग भी सेम है। जॉब? अच्छा, जॉब भी कर रहे हैं आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर से ही? मैम आपके सीनियर के पास होते थे हम पिछले साल। मेरी सीनियर कौन? डॉक्टर सहर के पास। अच्छा, सहर अमजद, वो कहाँ होती हैं? वो मैम शालामार बाग के पास। अच्छा, वहीं पे उनका पहले तो शालामार हॉस्पिटल में थी ना वो उनकी। मैम वो उन्होंने छोड़ दिया था, वो इंटर्न किया था उन्होंने, फिर उन्होंने अब क्लिनिक के साथ आते, फिर हमने छोड़ दिया वहां से। सही हो गया। पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा है, मैंने डाउनलोड तो किए हैं कुछ ऐप ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, लेकिन वो भी ओपन नहीं हो रहा। माय बेबी स्लीपिंग पीसफुली, सोने का टाइम था, बस ऐसे ही छोटा छोटा वो रो रहा था। वो कहते मामा मेरी मेरी तरफ देख के बातें करने की बजाय मोबाइल की तरफ देख के पता नहीं क्यों बातें कर रही है। मैम आप उसके फेस के साथ मोबाइल रख दिया करें। ओपन हो गया, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। जी सबको नजर आ रहा है वर्ड का डॉक्यूमेंट? यस मैम। अच्छा जी, टोटल 10 डिफरेंट चीजें जो हम कवर करेंगे उसमें हमारे पास आ जाएगा ओवरव्यू एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म्स यूज्ड इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर डिस्क्राइबिंग साइंस एंड सिम्टम्स। Then there will be a template to write out the general physical examination for patients. Then there will be general physical appearance, vital signs, pulse and blood pressure, vital signs, temperature and respiratory rate, face and mouth, hands and neck, axilla, groin and feet. So, 10 different things hain jinko ki humne apne lectures mein cover karna hai. Baki SCP ko aap log mere se zyada behtar jante honge kyunki aap log ne isko first semester mein bhi पिछले सेमेस्टर में SCP 1 पढ़ चुकी हूं। आप उनकी कुछ केस प्रेजेंटेशंस दूंगी, वो मेरा ख्याल है अभी 2 वीक के बाद हम केस प्रेजेंटेशंस भी स्टार्ट कर लेंगे। लेक्चर के साथ ही हम कुछ प्रेजेंटेशंस ले लिया करेंगे, मैं कुछ ग्रुप बनवाऊंगी, ठीक है? उन ग्रुप से कुछ टॉपिक्स असाइन किए जाएंगे जिनको वो केस प्रेजेंटेशन देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात याद रखिए, अब जनरली मैं आपको कुछ गाइड करती हूँ रिगार्डिंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आप एक वाइज प्रैक्टिशनर है ना, तो जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट एंटर होता है ना आपके क्लिनिक में, तो आप फौरी तौर पर अंदाजा लगा देते हैं उसके, उसको आप वहीं पर देखते हैं, मतलब एक लुक आप देखते हैं कैसे ये चल के आ रहा है मेरे पास। जब चल के आ रहा है तो क्या ये ठीक चल के आ रहा है, ये एक्टिव है या फिर ये बहुत वीक लिथार्जिक होकर चलता हुआ आ रहा है मेरे पास, ठीक है? या फिर गेट तो डिस्टर्ब नहीं है बीइंग अ, क्या कोर्स है आप लोगों का? फिजियोथेरेपी के अलावा सब लोग डीपीटी के? यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये देखिए फिर चलिए स्क्रीन, अच्छा भी इसको जाने दीजिए, मैं स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, ठीक है बच्चे? मैं खुद से आप लोगों को बता रही हूँ, इसको छोड़ दें। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप लोग सबसे पहली नजर तो आपकी उसकी आपकी कहीं मूवमेंट्स पे जाती है कि अच्छा ये चलता हुआ आ रहा है तो ये चल ठीक रहा है, या इसकी गेट से कुछ उसकी गेट डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है? बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, उसकी लेग में पेन हो,
उसका फुट ड्रॉप हो सकता है, उसके हिप में कोई इशू हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल के नहीं आ रहा। तो पेशेंट को देखने भी आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाता है कि इसकी जनरल कंडीशन क्या है। फिर वो जब आके बैठता है आपसे बात, आप उसे सलाम लेते हैं या बात करते हैं, तो आप उसकी जो है वो जनरल ओरिएंटेशन पूछ लेते हैं कि हाँ भी क्या हाल है आपका, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, ठीक है। इससे जनरल ओरिएंटेशन भी पेशेंट की पता चल जाती है। जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें तो पेलर है, ठीक है। पेलर क्या होते हैं? अनटेंड स्किन, अनटेंड स्किन इज पिंक ड्यू टू द रेड पिगमेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द सुपरफिशियल कैपिलरी वेनस प्लेक्सस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अच्छा, पेलर क्या यूजुअली हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है, आपके पास पिंक का कलर आता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसमें जो कि पिंक या रेड पिगमेंट आपकी स्किन को देता है। Failure can occur from the vasoconstriction in patients who are faint or are frightened. कि vasoconstriction हो जाती है और vasoconstriction की वजह से क्या हो जाता है? Failure आ जाते हैं। If relatives or friends have noticed increased failure, it may be a feature of the progressive anemia. Examine the mucous membrane of the conjunctiva and mouth to recognize the failure of anemia. तो अगर किसी patient में failure नजर आ रहा है तो उसके क्या कुछ causes हो सकते हैं? एक वैसी जनरल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, अगर किसी चीज से उसने अफ्रेड फील किया, ठीक है, या वो फेंट हो गया किसी वजह से तो पेलर होगा, या फिर एनीमिया अगर दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे हैं तो मे बी एनीमिया में हो, माउथ के जो टाइवा में वो आपको एविडेंट होगा। फिर साइनोसिस आ जाता है। साइनोसिस इज नॉर्मली ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड It requires an absolute concentration of the deoxygenated hemoglobin more than 50 grams per liter. अभी मैंने इस दफा SCP2 का वाइवा लिया तो बच्चों को ये definitions नहीं आती थी, या अगर आती भी थी तो वो complete definitions नहीं आती थी। Cyanosis ये तो बता देते थे कि normally blue discoloration of the skin है, लेकिन आगे से उनसे ये नहीं बताया जाता था कि concentration होती कितनी है, ठीक है, या किस वजह से होती है, वजह क्या थी। हीमोग्लोबिन जो डीऑक्सीजनेटेड है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है ना मोर देन 50 ग्राम्स पर लीटर। सो इट सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस आ गया, उसको भी हमने थोड़ी इसकी डिटेल देखी है पीछे स्लाइड में। देन कम्स द मेलानिन। द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेलानिन इज मॉडिफाइड इन अ नंबर ऑफ कंडीशंस। मेलानिन क्या करती है? दो कंडीशंस कॉज करती है, एक विटिलिगो है और एक एल्बिनिज्म है। विटिलिगो में क्या है? इट्स अ कंडीशन इन व्हिच इट इज अ कंडीशन व्हिच कैन अकर एट एनी एज वेयर इररेगुलर डीपिगमेंटेशन कॉजेस वाइट पैचेस ऑफ द स्किन टू डेवलप। क्या हुआ? इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, मेलानिन की एब्सेंस हो गई, ठीक है, डीपिगमेंटेशन हुई स्किन की लेकिन इररेगुलर एरिया से। जहां जहां वो डीपिगमेंटेशन हुई, मेलानिन की एब्सेंस हुई, वहां वहां पे वाइट पैचेस आ गए, इसको हमने कह दिया विटिलिगो, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन आती है जो कि एल्बिनिज्म की है। एल्बिनिज्म में क्या हो रहा है? इट इज अ ग्रुप ऑफ द इनहेरिटेड कंडीशन दैट मे अफेक्ट एनी रे। दीस पेशेंट्स हैव लिटिल और नो मेलानिन इन द स्किन और हेयर। द अमाउंट ऑफ द पिगमेंट इन द आईज वेरीज एंड व्हाइल सम इंडिविजुअल्स हैव रेडिश आईज, मोस्ट हैव ब्लू आईज, द करैक्टरिस्टिक पेलर ऑफ हाइपोपिट्यूटरीज़म इज ओनली अपेरेंट इन वाइट रे। अच्छा, जी अब एल्बिनिज्म में हमें क्या पता चला कि यहाँ पे मेलानिन की टोटली एब्सेंस हो गई, ठीक है, स्पेसिफिकली स्किन या फिर हेयर में। तो क्या होता है? वो पूरी की पूरी स्किन वाइट हो जाती है, बाल भी पूरी की पूरी सफेद हो जाते हैं, ठीक है। आईज को अगर हम देखें तो आईज रेडिश या फिर ब्लूइश इन कलर नजर आएंगी मेलानिन की एब्सेंस की वजह से। तो विटिलागो और एल्बिनिज्म में क्या डिफरेंस आया, कौन बताएगा मुझे? मैम, एल्बिनिज्म इनहेरिटेड कंडीशन। एल्बिनिज्म इनहेरिटेड जी बच्चे हो क्या रहा है ये भी तो बताएं ना। मैम, विटिलिगो में पैचेस होते हैं और एल्बिनिज्म में हमारे पास मेलानिन की लैक होती है। टोटल एब्सेंस जो हो रही है हेयर और स्किन में वो आपके पास एल्बिनिज्म है, वो उसको व्हाइट कर देगी।
जबकि विटिलिगो में आपके पास इरेगुलर डीपिगमेंटेशन है जो कि व्हाइट पैचेस दे देगी स्किन में, ठीक है, जिसे हम फुलेरी भी कहते हैं ना जी, फुलेरी फुलबेरी। अच्छा जी, अब आपके पास एक होम टास्क है, ये आपकी लॉग बुक खुली हुई है, ये आप सबको एलएमएस पे शेयर होगी, आप लोग इसको आप प्रिंट आउट लेंगे पूरी की पूरी का और इसको फिल करके आपने वापस ये मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है, वाइस वाइस का मैं आपको बता दूंगी किस तरह फिल करना है क्या करना है। अच्छा जी, होम टास्क इसका देख लें, इसको जो आपने करना है, व्हाट इज एडिसन्स डिजीज, व्हाट इज हीमोक्रोमेटोसिस, व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज कैफियोला स्पॉट, ठीक है, आप प्रेफर करेंगे पेज 27 ऑफ द बेड साइड टेक्निक्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और वहां से जाके वो कंप्लीट करेंगे। बच्चे एक चीज देख लीजिएगा, लॉग बुक मैंने आपकी चेक करनी है और जो जो काम मैं कह रही हूँ वो आपकी लॉग बुक में होना चाहिए, अगर ना हुआ तो दैट विल लीड टू द डिडक्शन ऑफ मार्क्स। ओके ओके मैम, यस मैम। मैम लॉग बुक आप कहाँ अपलोड करेंगी? बच्चे एलएमएस पे। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप एक मतलब जैसे हमें ये टास्क फिल करना है एडिसन डिजीज के बारे में, अब एडिसन डिजीज के बारे में हमें डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक बुक भी अगर हम खोलें ना तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सी स्पेस है तो हम कौन सी इन्फॉर्मेशन पर फोकस करेंगे जो हमें यहाँ पर लिखना है? मुझे बस थोड़ा सा आप देंगे कि एडिसन डिजीज क्यों होता है और उसके दो चार मेन सिम्टम्स बस दो लाइन्स में लिख देंगे। मैम सिर्फ ये जो चार लिखे हुए हैं हमने सिर्फ इनको सर्च करके इनके बारे में लिखना है। जी जी, इनके बारे में लिखना है, बाकी ये बुक को देखना, स्टेटमेंट वगैरह हर चीज हमने लिखनी है या सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि इसमें होता क्या है? होता क्या और एक दो से तीन कॉजेस, बस ट्रीटमेंट नहीं लिखनी यहाँ पे हमने, हम तो सिर्फ एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, कॉज पता होना चाहिए। मैम ये वर्ड फाइल बना के उस पर लिखना है या आप लॉग बुक को प्रिंट करवा के उस पर लिखना? प्रिंट करवा के उसके ऊपर लिखेंगे आप, ठीक है मैम। बेडसाइड टेक्निक आपके पास सॉफ्ट में है? बच्चे है तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कहीं से सॉफ्ट में आ जाए तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? यस मैम, मेल कर दीजिएगा। हमने नेट पेन से उसे लिखना कि हम बहुत अच्छे लिख सकते हैं जी, हमने तो राइट कर ली है लॉग बुक, तो हम नेट पेन से उसे करेंगे कि हम बहुत अच्छे यूज कर सकते हैं कि बाद में हमने नेट पेन। बच्चे क्या पूछ रही है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। जी बोले मैम, हमने लॉग बुक जो है लेड पेंसिल से फिल करनी है कि बॉल पॉइंट से? नहीं बेटा, बॉल पॉइंट से। अच्छा जी, हर चीज ये ना कहा करें कि ईमेल कर दें, एलएमएस है, एलएमएस की यूजेज पे यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रेस देती है, तो सारा मटेरियल आपका एलएमएस पे मिला करेगा, ठीक है? इवन की आज का लिंक तो मैंने आपको एलएमएस के थ्रू मैसेज में भेजा है ना, नेक्स्ट टाइम से ये मीटिंग का लिंक आपको एलएमएस पे मिलेगा, ठीक है? वहाँ पे जूम मीटिंग लिंक आ रहा हुआ करेगा, वहाँ जाएंगे क्लिक करेंगे आज की मीटिंग का लिंक होगा वो ज्वाइन कर लेंगे आप, ठीक है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी रिगार्डिंग जॉन्डिस, इसको रीड कर लीजिएगा। फिर मैंने वाइवा में पूछा था व्हाट इज ग्रेनी स्टार्टन, मुझे बड़ा पसंद आया था पूछने के लिए। देखते हैं, हीमोसिड्रिन और हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट मे बी डिपॉजिटेड लोकली इन द लोअर लेग बिकॉज ऑफ द एक्सट्रावेजेशन ऑफ द ब्लड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द वीनस इनसफिशिएंसी। लोकल डेपोजिशन ऑफ द हीमोसिड्रिन मे अकर विद हीट डैमेज टू द स्किन। तो आपके ग्रेनी स्टार्टन क्या है? Local deposition of the hemosiderin is known as erythema abigni or granny stratum. और ये local deposition of hemosiderin क्यों हुई? It is a hemoglobin breakdown product and may be deposited locally in the lower leg because of the extravasation of blood into the subcutaneous tissue. Erythema means swelling of the tissue due to an increase in interstitial fluid, generalized edema or localized edema. Postural edema is relatively common in the lower limbs of the inactive patient. Clinical manifestation of the edema, when edema is due to generalized fluid retention, its distribution is
determine break gravity. It is usually found in the leg, back of the thighs and lumbar sacral area in the semi-recumbent patient. Totally bed lying nahi hai, lekin most of the time bedridden rehta hai. If the patient lies flat, agar wo bedridden hai, phir kya hota hai? It may involve the face and hands as in children with the nephrotic syndrome. Acha ji, ka home task aa gaya, fitting or non-fitting ke difference. Humne slide mein aaj padhe hain. वहां से आप फिटिंग और नॉन फिटिंग का डिफरेंस लिख सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं. बेड साइड टेक्निक फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेज नंबर 24 टू 25 आप देखेंगे. टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं स्किन के लिए. मैक्यूल, पेप्यूल, नोड्यूल, वेसिकल, पस्टूल, बुला, व्हील, स्केल, क्रस, पर्प्यूरा, पेटिके, काइमोसिस, हेमाटोमा, टेलेंजियोस्टेसिस, स्पाइडर नेवी, कैंपबेल डी मॉर्गन, इरिडीमा, इरिडीमा मार्जिनेटम. अच्छा जी, आपने क्या करना है, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे. आपने इन सबकी डेफिनेशन देखनी है. आपने बेड साइड टेक्निक खोलनी है और देखना है कि आपको वहां से इन सबकी डेफिनेशन मिलती है और उसको आप राइट डाउन करेंगे. अब क्योंकि आप लॉग बुक लेके तो मेरे पास आ नहीं सकते, आप सब अपने घरों में होंगे, तो हम क्या करेंगे, मैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में इनकी डेफिनेशन पूछूंगी कि हाँ भी आपने बेड साइड टेक्निक खोली, आपने उसकी डेफिनेशन अपनी लॉग बुक में लिखी, तो मेरे साथ शेयर करें क्या डेफिनेशन थी. मैम ये आप लॉग बुक और बेड साइड टेक्निक जल्दी अपलोड कर दीजिएगा एलएमएस पर. जी बच्चे, इंशाल्लाह लॉग बुक में कल अपलोड कर दूंगी. बेड साइड टेक्निक देखें जैसी मुझे मिलती है कहीं. बच्चे इसको बुक को खरीदे ना, एक तरफ हम कहते हैं कि ना हमने मैम हमने एसीपी 1 में ना सिर्फ लॉग बुक ही पढ़ी थी, बेड साइड हमें पढ़ाई नहीं गई, तो इसलिए फिर परचेज भी नहीं की. तो बच्चे आप परचेज कर लें, आगे 3, 4, 5, 6 सारी आनी है. मैम यूनिवर्सिटी तो खुली नहीं है, तो दुकानों से तो मिल जाती है ना. ओके मैम, मैम आपकी लॉग बुक कब तक सेंड करेंगी? बच्चे लॉग बुक में इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे. बच्चे यूनिवर्सिटी का भी कुछ नहीं पता अभी, कुछ नहीं पता, कोई मेरे ख्याल नया नोटिफिकेशन नहीं आया. ठीक है, अभी तो ये वाला वीक तो बंद है, देखें फिर क्या अनाउंसमेंट आती है गवर्नमेंट की तरफ से. मैम अटेंडेंस आप पोर्टल पे लेंगे अभी? जी बच्चों अटेंडेंस आपकी अब पोर्टल की एक्सेस तो है नहीं हमारे पास, तो फिर वो जो है जूम में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए करेगी, तो फिर वो मैं अपलोड कर लिया करूंगी वहां से. ओके मैम. चलो जी ठीक है, फिर लेक्चर में शेयर कर दूंगी, वहां पे लॉग बुक भी कर दूंगी, जो होम टास्क भी है उनको कर लीजिएगा और जो चीजें पढ़ाई उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है, बाकी और चीजें मैं नेक्स्ट टाइम. जी मैम, ये बेड साइड टेक्निक की जो बुक है एडिशन कौन सा है इसका? बच्चे मुझे लेटेस्ट एडिशन नहीं पता कौन सा है. फिफ्थ एडिशन है शायद. ठीक है बच्चे, आपके फेलोज बता रहे हैं कि लेटेस्ट फिफ्थ एडिशन है इसका. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. चलें ठीक है, ओके ओके मैम, अल्लाह हाफिज़. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.